तरह सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आपको जानकर के ताज्जुब होगा और करके यकीन हो जाएगा। अभी मैं जो बताऊंगा उससे आपको ताज्जुब होगा, लेकिन जब आप इस चीज को करोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इंश्योरेंस सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई एक प्रोफेशन है कि जो बिना इन्वेस्टमेंट के किसी भी उम्र के व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका देता है तो दैट इज इंश्योरेंस सेलिंग। मैंने इस प्रोफेशन को बोला है कि ये प्रोफेशन देता है आजादी जीने की। आजादी जीने की तभी मिल सकती है जब मेरे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम हो। आजादी जीने की तभी सकती है जब मेरे पास में टाइम फ्रीडम हो। और आजादी जीने की तभी मिल सकती है जब मेरे पास में प्राइड हो, सम्मान हो, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी हो। अगर ये तीनों चीजें एक जगह से कहीं से मिल सकती है तो बाय बिकमिंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर। और तरीके हैं, और तरीके हैं। यदि मेरे पास में 5-10 करोड़ रुपए है तो मैं एक इंडस्ट्री शुरू कर सकता हूँ, अपना फैक्ट्री शुरू कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में 5-10 करोड़ है तो मैं स्कूल ओपन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में 5-100 करोड़ रुपए है तो मैं भी जायडस और अंबानी की तरह अपना एक हॉस्पिटल शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में निवेश करके अमीर बनने के लिए पैसे नहीं है तो बिना निवेश किए आजादी जीने की हासिल करने का एक आसान सा रास्ता हर मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान के लिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, सिर्फ 18 साल से बड़ी उम्र का होना चाहिए, है ना। चाहे वो बुजुर्ग है या नौजवान है, आपकी एज चाहे कुछ भी है, बस 18 से ज्यादा होनी चाहिए। और एज चाहे छोटी होगी या बड़ी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री चाहे छोटी होगी बड़ी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो आपको आगे की बातें, अब मैं जो बताऊंगा वो सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा कि क्या देता है ये प्रोफेशन, क्यों मुझे LIC बिजनेस को एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो इसमें चाहिए वो ये है माय डियर फ्रेंड कि इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसका मार्केट पोटेंशियल 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा एक लिमिटेड प्रोफेशन है। डॉक्टर बनने के बाद में मेरे को कौन काम में आएंगे, इस शहर के बीमार मेरे काम में आएंगे। अगर मैं वकील बनता हूं तो मेरे पास में भी लिमिटेड पोटेंशियल है। ये अहमदाबाद या तो बंबई या तो पुणे, आप कहीं से भी है, दिल्ली से, तो आपके शहर के कौन से लोग आपके काम में आएंगे वकील बनने के बाद, कि जिनकी जिंदगी में कुछ लफड़े फंसे हैं वो आपके काम में आएंगे। अगर मैं महिलाओं के कपड़ों की दुकान शुरू करता हूं तो मर्द मेरे लिए बेकार हो गए। अगर मैं मर्दों के कपड़े की दुकान शुरू करता हूं तो महिलाएं मेरे लिए बेकार हो गई। अगर मैं स्कूल ओपन करता हूं तो जो पढ़ नहीं रहे हैं या तो जो पढ़ चुके हैं वो मेरे लिए बेकार हो गए। हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसका 100% मार्केट पोटेंशियल है। 100% मैं घर से बाहर निकला और जो पहला व्यक्ति मिला, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है या नौजवान है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है या तो वो गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉई है, चाहे वो धंधा करने वाला या नौकरी है, बस एक ही कंडीशन, आदमी की सांस चालू होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉर्न इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, हम भारत जैसे देश में पैदा हुए कि जो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। 37 करोड़ की पॉपुलेशन है। यानी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि बोले आनंद भाई बताइए ना इंश्योरेंस का फ्यूचर क्या है, तो मैं ये बताता हूँ कि इस देश में पॉपुलेशन बढ़ना कब बंद हो जाएगी। यानी इंश्योरेंस इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग। जब तक इस देश में इंसान, इस धरती पर इंसान पैदा होते रहेंगे, इंश्योरेंस का बिजनेस लगातार ग्रो होगा। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अनलिमिटेड फन इन लाइफ। अगर कोई मुझसे पूछे आपको जिंदगी में मजे कितने चाहिए तो अपन बोलते हैं अनलिमिटेड मजे चाहिए। तो अनलिमिटेड फन के लिए मेरे को चाहिए क्या? अनलिमिटेड फन के लिए मेरे पास में अनलिमिटेड इनकम भी तो होनी चाहिए। एक ऐसी इनकम की जो मैं तय करूं, एक ऐसा चेक की जिसमें अमाउंट मैं डालूंगा। नौकरी में मैं 1 साल के लिए काम करता हूं तब जाकर के, और 1 साल सिर्फ काम नहीं करना है, अपने बॉस की थोड़ी सी चापलूसी भी अपने को करनी पड़ती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारी तनख्वाह 10% या तो 15% या 20% बढ़ा करके देता है। इस प्रोफेशन में आई विल डिसाइड कि इस हफ्ते में मुझे कितना पैसा कमाना है, इस महीने में कितना पैसा कमाना है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी जैसा कुछ नहीं है। कोई 10 साल पुराना है इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, मैं आज पहले ही महीने में उसके जितना पैसा कमा सकता हूं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड अपने खुले मन से जीना चाहता हूं तो मुझे पैसा उस हिसाब से कमाना चाहिए। नंबर थ्री, तीसरी वजह क्यों मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा था, द ब्यूटी ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की ब्यूटी क्या है मालूम है, कि मैं अर्ली एज में रिटायरमेंट ले सकता हूं। जिन जगहों पर मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगातार देखता हूं उन जगहों पर मैं जा भी सकता हूं। So, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले लूं, नोबडी वांट्स टू वर्क टिल 60, कौन सा आदमी है जो चाहेगा कि जिंदगी भर मैं काम करता हूं। जिंदगी में करने को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छी अच्छी चीजें हैं। 45 साल की 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद मैं किसी गरीब बस्ती में जाकर के उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता हूं, जिसके लिए मेरे पास में टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा, अगर मेरे पास में उतना पैसा है कि मुझे अपना जीवन काटने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं दूसरों के जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकता हूं। अगर मैं एक 30 साल का आदमी हूं, मैं 35
25 साल का आदमी हूं और मैं 45-50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, आई एम श्योर यू आर एट द राइट प्लेस, आपको इस प्रोफेशन में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी जो बात है, एक ऐसे व्यक्ति जो जिससे हर इंसान नफरत करता है ना, हर इंसान अपने बॉस से बहुत नफरत करता है कि बॉस नहीं होना चाहिए मेरे पास में, यू आर वेलकम इन टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बॉस नाम की व्यक्ति ना हो कि जो हमें कंट्रोल करे, मेरी बीमार बीवी को अगर हॉस्पिटल ले जाना है, मैं ऑफिस लेट पहुंचने वाला हूं, तब भी मेरे को किसी को पूछना ना पड़े कि बॉस अगर मैं आज में लेट आऊंगा तो चलेगा क्या, अगर आप अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। द रीजन इज, आज जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आपको एक मिनट उसके बारे में बताने के लिए लूंगा। ही इज द डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर इज नॉट टू डेवलप LIC, द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर इज टू डेवलप यू। जो लोग इंश्योरेंस एडवाइजर बनके इस कॉर्पोरेशन के साथ में जुड़ते हैं, उनको डेवलप करना, उनके जीवन को डेवलप करना, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को डेवलप करना, ये उस डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल है जिसने आज आपको इनवाइट किया है। Who is development officer? Development officer is not going to be your boss. वो आपका boss नहीं होगा, वो होगा आपका दोस्त, आपका साथी, आपका guide, आपका mentor, आपका teacher और आपका evaluator. है ना, ये वो इंसान आपको मिलेगा। अगर आज इस प्रेजेंटेशन के बाद में if you will decide to enter this beautiful business opportunity, तो मैं एक बात की आपको गारंटी दे सकता हूं कि ईश्वर की बनाई हुई 700 करोड़ की दुनिया में ना कि सिर्फ आपको सिर्फ LIC बिजनेस मिलेगा, LIC बिजनेस में भी सबसे खूबसूरत चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगा ये डेवलपमेंट ऑफिसर। आई डोंट नो कि आपको किसने बुलाया है, आई डोंट नो ये आपको रामदास खटाल साहब ने बुलाया है कि नीलेश जानी साहब ने बुलाया, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति ने बुलाया है ना, वो LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो मैं बधाई, आप LIC बिजनेस ज्वाइन करेंगे मैं उसकी तो बधाई आपको देता ही देता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी बधाई देता हूं कि आप LIC बिजनेस में एक विकास अधिकारी के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। और विकास अधिकारी का मतलब है एक ही पर्पस है उसकी जिंदगी का कि मेरे साथ में जुड़ने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर का विकास करना, डेवलपमेंट करना। है ना, आप कोई भी चीज, आप इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद में अगर अपने दोस्तों से बोलेंगे ना कि यार मैंने जिंदगी में तय कर लिया है कि मैं जिंदगी में कार खरीदूंगा, मैं जिंदगी में कभी मर्सिडीज खरीदूंगा, दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप अपनी बीवी को बोलेंगे, बीवी भरोसा नहीं करेगी। अगर माँ बाप को बोलेंगे, माँ बाप बोलेंगे बेटा ईश्वर का दिया हुआ है, हमारे पास में पेट है, खाना मिल जाता है, छत है अपने पास में, और क्या चाहिए जिंदगी में। मतलब हर किसी को ये लगता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर यही बात आज इस बिजनेस में शामिल होने के बाद यदि आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलेंगे कि सर आने वाले 5 साल के बाद मेरे को एक मर्सिडीज खरीदनी है, सबसे पहले वो आपको गले लगा करके कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर आज तुमने बड़ी सोचना शुरू कर दिया है तो उसे हासिल भी कर लोगे। और मैं तुम्हें बताऊंगा मर्सिडीज कैसे खरीदनी है, उसका रास्ता, मतलब यू आर गोइंग टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ कि जो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, इस एक इंसान के अलावा जितने भी लोग तुम्हारे पास में वो जिंदगी काटने के तरीके बताएंगे, ये एक इंसान ऐसा है जो तुम्हें जिंदगी बदलने का तरीका बताएगा। तो अगर तुम्हें बॉस नहीं, एक सच्चा लीडर चाहिए, एक सच्चा साथी चाहिए, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि यू आर एट द राइट प्लेस माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद में और एक वजह कि इस बिजनेस के माध्यम से और एक जो चीज मुझे मिलती है, आई कैन हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकता हूं। मैं चाहूं तो सुबह 7 बजे काम की शुरुआत करके शाम को 4 बजे खत्म करके शाम का वक्त अपने घर पे बिता सकता हूं, है ना। साथ ही साथ अगर मैं जॉब भी कर रहा हूं तो इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्यों है, क्योंकि मान लो कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं पार्ट टाइम टीचर बनना चाहता हूं तो मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि मुझे स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से काम करना पड़ता है ना। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर मैं 10 से 6 की नौकरी भी कर रहा हूं तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं काम कर सकता हूं, मैं शाम को 6 बजे के बाद में रात को 9-10 बजे तक काम कर सकता हूं, और मुझे ये बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं। आपको सुनकर के हो सकता है शायद ताज्जुब हो, आपको लगे ये आदमी कैसी बातें कर रहा है, सुबह 7 बजे शुरू करके 10 बजे तक काम करना और शाम को 6 बजे के बाद में 9 बजे तक काम करना। अगर आपको ये सुन के ताज्जुब लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अपने प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद मत करिए कि वो 18-20 घंटा दिन का काम करे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर इस देश के 132 करोड़ के लिए 18 से 20 घंटा काम करे, तो तुम्हें भी अपने परिवार के 4 लोगों के लिए 3-4 घंटा एक्स्ट्रा काम करने की सोच पैदा करनी पड़ेगी। मैं अपने बीवी बच्चे और माँ बाप के लिए 3 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मेरे परिवार के लिए काम करे, दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है इसमें,
और ये मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इस वजह से भी क्योंकि मैंने जब हेनरी फोर्ड की किताब पढ़ी थी, अमेरिका के 10 साल तक लगातार अमीर बनने रहने वाले इंसान की, तो उस किताब में उसने बहुत अच्छा वाक्य लिखा था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और वो वाक्य क्या था, उसने ये कहा था कि 10 से 6 की नौकरी तुम्हें जिंदगी काटने में मदद करती है, लेकिन तुम अमीर बनते हो उन कामों से जो तुम सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद करते हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये मेरा नहीं, हेनरी फोर्ड साहब का कहना है कि 10 से 6 की नौकरी मेरी जिंदगी काटने में मदद करती है, लेकिन मैं अमीर उन कामों से बनता हूं कि जो मैं सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद करता हूं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ये तैयारी करनी ही चाहिए, है ना। तो इसे करने के लिए अगर आप जॉब भी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन डू इट, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये करने की तैयारी होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए 3-4 घंटा हार्डवर्क करने को तैयार हूं। और इसीलिए मैं शुरू से एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूं कि इफ यू आर एन एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग देन ओनली यू आर सुटेबल टू दिस प्रोफेशन। अगर ये दो चीजें आपके पास में और कुछ नहीं होगा, आपकी चाहे उम्र कुछ भी होगी, आपकी डिग्री कुछ होगी, आपकी जाति कुछ होगी, आपकी धर्म कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास में ये दो चीजें हैं, कोई माई का लाल आपकी जिंदगी LIC बिजनेस में जिंदगी बदलने से नहीं रोक सकता, है ना। सो और एक जो चीज यहां पर मिलती है दैट इज ग्रेट रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारे रिवॉर्ड्स और भी बेनिफिट्स, मैं आपको एक बेनिफिट का एक उदाहरण देता हूं। इसमें अलग अलग क्लब मेंबरशिप रहती है ना, जैसे नौकरी में रहता है ना अलग अलग क्या बोलते हैं क्या टाइटल रहते हैं ना, असिस्टेंट मैनेजर ने, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ने, सीनियर सेल्स मैनेजर ने, वैसे अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर ने, सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग क्लब मेंबरशिप रहती है, BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब, क्लब गैलेक्सी, कॉर्पोरेट क्लब, और उसके बेनिफिट अलग अलग रहते हैं। लेकिन उसमें कैसा रहता है कि उसमें 5-10 सालों में एक बार मेरे को कोई प्रमोशन आती है नौकरी के अंदर, इसमें प्रमोशन लेना या ना लेना ये मेरे हाथ की बात है, उसमें प्रमोशन देना या ना देना वो दूसरों के हाथ में एक बात है, इसमें प्रमोशन लेना या ना लेना मेरे हाथ की बात है। मैं कुछ बेनिफिट आपको, अगर आप हम जॉब कर रहे हैं ना, अगर हम जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, मान लो कि हमने 20 साल तक जॉब करी और 20 साल की नौकरी के बाद में मैं अपने कंपनी को मालिक को बोलूंगा ना कि बॉस मेरे को घर खरीदना है या तो मेरे को घर रिनोवेट कराने के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, है ना, तो बोलेगा यार कमाल करते हो, बैंक वाले लोन दे ही रहे हैं ना, जाओ हम तुम्हें तनखा दे सकते हैं, अपनी तनखा का फॉर्म 16 और रिटर्न वगैरह की कॉपी लेकर के जाओ, बैंक वाले देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू लोन टू बिल्ड योर हाउस और टू बाय योर कार और फॉर द एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, है ना, हम नहीं दे सकते। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि LIC जो बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स देती है उसमें बॉस 0% इंटरेस्ट पे वो लोन देती है व्हीकल खरीदने के लिए, और नेग्लिजिबल एट द रेट ऑफ 5.5% इंटरेस्ट। अगर आपका बैंक में 15-20 सालों तक एक सेविंग्स अकाउंट रहा होगा तब भी वो बैंक वाला आपको लोन देने से पहले आपका ITR मांगता है और आपका सिविल रिकॉर्ड मांगता है कि कहीं तुम्हारा कोई लफड़ा तो नहीं है, तुमने कभी कोई फ्रॉड तो नहीं किया, आर्थिक फ्रॉड। लेकिन LIC मेरे को एक लेवल पर पहुंचने के बाद में 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को घर बनाने के लिए और घर खरीदने के लिए लोन देती है, माय डियर फ्रेंड। लेकिन और भी बेनिफिट्स जो है इस प्रोग्राम के बाद जब आप अपने विकास अधिकारी जिन्होंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है उनसे जब बात करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि और क्लब मेंबरशिप क्या क्या और उसका क्या क्या बेनिफिट है, है ना। मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी गाड़ी खरीदने के लिए भी LIC से, बाइक खरीदने से लेकर के ऑडी जैसी गाड़ी खरीदने के लिए भी बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर LIC मेरे को लोन देती है बस। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये COVID-19 की सिचुएशन हुई ना अभी जिसमें लॉकडाउन हुआ, कई सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग कंपनियों में पिछले 10-15 सालों से नौकरी कर रहे थे, तो कंपनी ने उनकी आधी तनख्वाह काट दी, कई सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया। आपको जानकर के ताजुब होगा इस महान ऑर्गेनाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को 50,000 रुपए का एडवांस पेमेंट दिया, एडवांस, है ना, कि भैया आपको कोई दिक्कत है 25,000 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट में, 1 महीने 25,000 रुपए, दूसरे महीने 25,000 रुपए, कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप इन पैसों को बाद में जब भी आप कमाए आप LIC को लौटा सकते हैं। ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन, ना किसी प्राइमरी किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो छोड़ दो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं, वो कॉर्पोरेशन, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, टाटा जैसी इंडस्ट्री, किसी ने नहीं किया। इस देश में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि जिसने अपने सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को 50,000 रुपीज का एडवांस दिया कि रखो अपने पास में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बेनिफिट और है इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का। और एक जो चीज है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें रिकॉग्निशन मिलती है,
हम छोटी छोटी, आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि एक टीचर पिछले 25 सालों से शिक्षक की नौकरी कर रहा है और इस नौकरी के दौरान कई सारे बच्चों के 90% से ज्यादा आए तो टीचर को सम्मानित किया गया कि भैया इस साल आपकी क्लास में 50 बच्चों के 90% से ज्यादा आए तो लीजिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। एक अकाउंटेंट चाहे कितना भी बढ़िया तरीके से कंपनी का रिटर्न का काम करे, जीएसटी का काम करे, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, इस काम में आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलती है। और ना कि सिर्फ आपको मिलती है, आपको एक बात और ताज्जुब होगी, है ना, आपने कभी नहीं देखा कि किसी कंपनी में हमारे माँ बाप और बच्चों और बीवी को बुला करके जो है रिकग्नाइज किया जाता हो। यहाँ पर ना कि सिर्फ आपको रिकग्नाइज किया जाता है, आपकी बीवी को भी रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि अगर आप नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो शाम को 6 से 9, 10, 11 बजे तक आप काम करते हैं, तो आपकी बीवी बच्चे जो आपके लिए त्याग करते हैं, तो इनका ये जो त्याग रहता है, आपके माँ बाप का जो त्याग रहता है, उनके त्याग को भी सम्मानित किया जाता है ना LIC ऑफ इंडिया के माध्यम से और इन विकास अधिकारियों के माध्यम से। ये जितना भी मैंने बताया ये सब हासिल करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हम जब इस प्रोफेशन में शामिल होते हैं तो काम शुरू नहीं करना रहता, हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सिखाया जाता है और सीखने के बाद जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो ये इतना मतलब प्यारा बिजनेस है कि इसमें हम जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें एक के बाद एक आपके जीवन में शामिल होते जाती है। सो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आपको समय समय पर LIC के माध्यम से और आपके विकास अधिकारियों के माध्यम से, वो दोनों प्रकार के इंटरनल ट्रेनिंग्स भी करते हैं, इनहाउस ट्रेनिंग भी करते हैं और एक्सटर्नल स्पीकर्स को भी बुला करके, वो एक्सटर्नल ट्रेनर्स प्रोफेशनल ट्रेनर्स को भी बुला करके वो ट्रेनिंग आपको देते रहते हैं, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि यार ये सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आदमी माँ की कोख से सीख करके कुछ नहीं आता। अगर आप अकाउंटिंग का काम आज मजे से कर रहे हैं तो आप कोख से सीख के पैदा नहीं हुए थे। अगर आप टीचिंग का काम आज की डेट में कर रहे हैं स्कूल में तो आप सीख के पैदा नहीं हुए थे। हमने ट्रेनिंग के माध्यम से उसको सीख लिया, तो चिंता ना करें। ये आज तक आपने जितने भी काम सीखे हैं वो मध्यम वर्गीय जीवन जीने के लिए सीखे, लेकिन LIC और आपके विकास अधिकारी आपको सिखाएंगे वो काम कि जो अमीर बनने के लिए आपको काम में आने वाले है, उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके लिए, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है इसका। अगर आप फॉर्मेलिटी जानना चाहते हैं, इफ यू आर डिसाइडेड टू जॉइन दिस बिजनेस, है ना, तो इसकी फॉर्मेलिटीज क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, पान कार्ड की कॉपी देनी रहती है, सेल्फ साइन की हुई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक पासपोर्ट साइज का आपको फोटोग्राफ देना है और एक कैंसिल चेक की कॉपी देनी है और आपका 12th का मार्कशीट, इससे ज्यादा। आपने चाहे इंजीनियरिंग भी करी हुई है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंजीनियरिंग की मार्कशीट दे, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो जरूरी नहीं है कि आप वो मार्कशीट दे, है ना, आपको अपना 12th का एक मार्कशीट देना रहेगा। और इसके बाद में एक छोटा सा एक एग्जाम आपको देना है जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी है, भारत सरकार के डिसाइड की हुई फॉर्मेलिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है कि जो किसी भी इंसान को इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने से पहले उसका एक टेस्ट लेता है ना, बड़ा मामूली सा टेस्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसमें, 35-36 पन्नों की किताब हमको पढ़नी है। आज तक हमने जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हुई है, जिन किताबों को पढ़ के हमें 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी मिली, तो छोटी नौकरी करने के लिए बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, लेकिन बड़ा अमीर बनने के लिए एक छोटी सी 35-36 के पेज की आपको किताब पढ़नी है ना, वो भी आपको अपने विकास अधिकारी के माध्यम से मिल जाएगी और वो आपको उसकी तैयारी भी कराएंगे और अपने को कोई 50 मार्क नहीं लाने, बस 18 मार्क हो गए, है ना, भयो भयो जिंदगी अपनी बन जाएगी। तो बड़ा वो मामूली सा एग्जाम है, कोई भी इसे पास कर सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे लिखी हुई है उसे समझिए कि नॉट द इंफॉर्मेशन बट द डिसीजन मेक्स डिफरेंस, है ना। हमने ऐसे बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं लेकिन हम जिंदगी में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णयों से जिंदगी बदलती है। मैं रिपीट करता हूं, जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णयों से जिंदगी बदलती है। इंफॉर्मेशन से जिंदगी में डिफरेंस पैदा नहीं होता, डिसीजंस ऐसी चीज है जो जिंदगी में डिफरेंस पैदा करती है, है ना। तो आज निर्णय लीजिए, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े रहकर के चाहे कितनी भी जानकारी ले लूं कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे निकलेगी, बंबई जाने वाली कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे निकलेगी, है ना, ये जानकारी से मैं ना दिल्ली पहुंचूंगा ना बंबई पहुंचूंगा, कहीं भी और भी पहुंचने के लिए मुझे किसी एक ट्रेन में बैठने का निर्णय जरूर करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि विचार या तो जानकारी या तो आइडियाज, है ना, एक आइडिया जो बदलते आपकी दुनिया, ये गलत चीज है। यदि उस आइडिया के ऊपर डिसीजन ना लिया जाए
तो जिंदगी नहीं बदलती ना दुनिया बदलती है, तो प्लीज डिसीजन लीजिए आप। सो नो रिस्क अपॉर्चुनिटी, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, ना ही आपको कोई लाखों रुपए खर्च करने हैं, ना ही आपको कोई दुकान खरीदनी है, ना ही आपको जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आने हैं। सिर्फ एक निर्णय लेकर के इंश्योरेंस बिजनेस में शामिल होकर के आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके पास में ये चीज है, दिमाग में शोले भड़क रहे, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ लोगों को जिंदगी में एक बेहतर जगह पर पहुंचाने में एक छोटा सा योगदान दिया था, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी बातें सुनकर के आपको वाकई में अच्छा लगा, आपको जैसे आप लोग लिख रहे थैंक यू ग्रेट सेशन ये वो, है ना, तो प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए, थैंक यू कहिए उस इंसान को जिसने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। अगर आपको जानी साहब ने आमंत्रित किया है तो लिखिए थैंक यू जानी सर। अगर आपको खटलाल साहब ने, रामदास साहब ने इन्वाइट किया है तो लिखिए थैंक यू। अगर आपको लोटवाला जी ने इन्वाइट किया है तो लिखिए थैंक यू वेरी मच लोटवाला जी। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया उसको धन्यवाद जरूर कहिएगा, उसके साथ में हाथ मिलाइए और जुड़ जाइए इस मिशन के अंदर की जो मिशन में है आजादी जीने की। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय। खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार को, समाज को और देश को बहुत सारी खुशियां दे। जय हिंद।